बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हाना मानसा शहजादी, सेंचुरी प्रेस एंड पब्लिशर्स में खुश आमदी। प्यारे बच्चों, हम हरूफ तहज्जी पढ़ रहे हैं और आज हम आयन को पढ़ेंगे। पहले हम आयन की आवाज़ की पहचान करेंगे, फिर उसका नाम सीखेंगे और उसके बाद हम उसकी शक्ल को देखते हुए देखेंगे कि हम आयन को कैसे लिख सकते हैं। इसके साथ ही आज मैं आपको आयन की इब्तदाई शक्ल भी लिखना सिखाऊंगी। सबक के आगाज़ पर हम हमेशा एक अच्छी बात करते हैं। आज की हमारी अच्छी बात है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद बात होने वाली है, गौर से सुनिएगा। हमें अपनी ईदी जी जो हमें पैसे मिलते हैं अपने अम्मी अब्बू से, अपने दादा दादी से, अपने घर वालों से, उन पैसों को सोच समझ के खर्च करना चाहिए। हमें क्या होता है, हमें जैसे ईदी मिलती है हम फौरन से कुछ चीज़ें खाने लग जाते हैं, या हम लोग किसी और को भी ईदी देते हैं तो ईदी शेयर करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें उसे फजूल खर्च नहीं करना चाहिए। हमें उसके लिए एक सेविंग बॉक्स बना लेना चाहिए जिसमें हम अपनी ईदी सेव करें और इससे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकें। इस तरह से आपकी अम्मी अब्बू बहुत खुश होंगे और वो कहेंगे कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है। थी ना मज़े की बात, आपने बहुत कुछ सीख लिया। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी, आप इन तस्वीरों को पहचानना है और देखना है कि यहाँ पर कौन कौन है। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ ये क्या है। ये अकाब है। और ये क्या है। कुछ कमरे हैं, सीढ़ियाँ हैं। जी ये एक इमारत है। और ये कौन है जी। जी ये है औरत। और ये क्या है, ये है ऐनक। ज़रा मैं इन तस्वीरों के नाम तेज़ी से बोलती हूँ, आपने ज़रा गौर करना इसकी पहली आवाज़ क्या आ रही है। ऐनक, इमारत, अकाब, औरत। यहाँ पर आ की आवाज़ आ रही है। और ये आयन है। ये आयन की मुकम्मल शक्ल है और इसे आयन कहते हैं। और इसकी आवाज़ क्या है, आ इमारत, आ अकाब, आ औरत, आ ऐनक। वेरी गुड। अच्छा, ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं इनके नीचे इनके हिज्जे दिए गए हैं, आपने इनको गौर से देखना है और मुझे बताएं कि आइन कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। अकाब के शुरू में आइन लिखा हुआ है, इमारत के शुरू में भी आइन लिखा हुआ है, औरत के शुरू में भी आयन लिखा हुआ है और ऐनक के शुरू में भी आयन लिखा हुआ है। क्या आपको लिखना आता है? नहीं तो चलो आओ मैं आपको सिखाती हूँ आयन की मुकम्मल शक्ल और आयन की इब्तदाई शक्ल कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हम एक नुक्ता लगाएंगे और यहाँ से ऊपर से नीचे गोलाई में एक छोटा सा चांद बनाएंगे और इसका एक बड़ा सा पेट बना देंगे। ये है आयन, आयन की मुकम्मल शक्ल। अब हम आयन की इब्तदाई शक्ल लिखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ और एक गोलाई चांद जैसी बना लेंगे और नीचे एक तिरछी सी लाइन लगा देंगे। ये क्या है, आयन की इब्तदाई शक्ल है। प्यारे बच्चों, अब हमने आयन लिखना सीख लिया। अब हम इसकी हवा में प्रैक्टिस करेंगे, हवा में लिखेंगे, अपनी कलाई पे लिखेंगे, अपने टेबल पे लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।